जो लोग हैं वो एक बार बता देंगे मेरे को कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। जो लोग हैं वो एक बार बता देंगे मेरे को कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे कि आवाज़ एकदम क्लियर है, फुल साउंड पे रख के एक बार देख लीजिए कि आवाज़ एकदम क्लियर है, वो थोड़ा सा भी नॉइज़ डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तब आप यस सर लिखेंगे या फिर क्लियर है सर जो भी लिखेंगे, तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आवाज़ क्लियर है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आवाज़ क्लियर है। तो ऑर्डर साइकाडियल्स की बात करेंगे हम लोग, अब बेनिटियल्स की बात करेंगे, और ऑर्डर बेनिटियल्स और साइकोडियल्स की बात करेंगे तो अपन लोग मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले जो फॉसिल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म थे वह टेडोस्पर्मेल्स की बात कर ली है, उनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर अपना आता है टेडोस्पर्मेल्स के बाद साइकोडियल्स या बेनिटियल्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स में यह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप में रखे गए प्लांट्स को में क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स होंगे, क्या वह किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से मैच करेंगे। ठीक, तो साइकोडियल्स जो है यह फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, यह भी फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। तो साइकोडियल्स जो है वह ऑर्डर में आने वाले यह जो ग्रुप है यह फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। है ना, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, फॉसिल जिम्नोस्पर्म का ग्रुप, क्योंकि ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जिनका लाइफ फॉर्म्स, इनका जो लाइफ फॉर्म्स है वो सिमिलर है साइकाइडियल से, इसका मतलब क्या, ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स का रिजेंबलेंस साइकेडेल से होगा, है ना। तो यह लाइफ फॉर्म सिमिलर साइकेडेल्स का मतलब कि उनके स्ट्रक्चर सेम हो सकते, हैं, है ना, मतलब उन्हीं के जैसे ही रह पाएंगे, इनका फॉर्म शेप सेम हो सकता है। ठीक, और इनमें जो वेनेशन पाया जाएगा वह भी सिमिलर रहेगा। तो यह ग्रुप अपने लाइफ फॉर्म्स साइकाइडियल्स में सिमिलर रखेगा, और कहने का अर्थ यह है कि इन्हीं से ही आने वाले जो ऑर्डर है, जैसे कि साइकस आज लिविंग है, तो वह इन्हीं साइकाडेडियल्स
के बाद आए होंगे, मतलब उनके एंसेस्टर्स अगर हम लोग देखें तो वह यही रहे होंगे। ठीक, तो स्ट्रक्चर, फॉर्म और वेनेशन, स्ट्रक्चर, फॉर्म और वेनेशन में यह सिमिलर रहेंगे साइकाइडियल्स से। ठीक, डिफरेंस रहेगा स्ट्रोमेटा में। जो मेन डिफरेंस रहेगा वह रहे किस में रहेगा, स्ट्रोमेटा में। साइकाइडियल्स में देखिए, अगर साइकाइडियल्स में देखें और साइकाइडियोडेल्स में देखें, साइकाइडियोडेल्स या बेनिटियल्स, इन दोनों में स्टोमेटा का डिफरेंस रहेगा। ठीक, साइकाइडियोडेल्स में जो स्टोमेटा रहेगा, साइकाइडियोडेल्स में जो स्टोमेटा रहेगा वह सिंडेटोसिलिक रहेगा। और साइकाइडियोडेल्स में हैप्लो सीलिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि यह ग्रुप जो है वह साइकाइडियल्स से सिमिलर मैच करेंगे, वो स्ट्रक्चर, फॉर्म और वेनेशंस में लगभग सिमिलर रहेंगे साइकाइडियल्स के ग्रुप से। और जो स्टोमेटा है, केवल मेन डिफरेंस जो रहेगा वह स्टोमेटा का रहेगा, और जो स्टोमेटा रहेगा वह हैप्लोसिफेलिक होगा, साइकाइडियल्स में यह साइकस वाले ग्रुप में, और साइकाइडियोडेल्स में यह सिंडेटोसिलिक रहेगा। ठीक, ठीक, चलिए लिख लिए। नेक्स्ट, ठीक, इस ग्रुप का अगर रेंज देखें, यह अबंडेंट है जुरासिक पीरियड पे, यह जुरासिक पीरियड में अबंडेंट है। और जुरासिक पीरियड में अबंडेंट तो थे, इसका मतलब क्या है कि इनका जो ओरिजिन है वह इससे पहला हुआ होगा, है ना। मतलब यह ट्राइसेक पीरियड में ओरिजिनेट हुए होंगे और अबंडेंट हो गए होंगे, या डोमिनेटेड हो जाए, डोमिनेट कर गए होंगे जुरासिक पीरियड में, और यह एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस पीरियड में।
या एक्सटेंट हो गए क्रिटेशियस पीरियड में। इसका मतलब क्या है कि यह मीजोजोइक एरा में पाए गए। कहाँ पाए गए? मीजोजोइक एरा में पाए गए, मोटा मोटी बोल सकते हो। तो याद रखने वाली चीज, फॉसिल जिम्नोस्पर्म जो है वो ऑर्डर साइकोडियल्स या बेनेटियल्स में के ग्रुप के अंदर आएंगे। लाइफ फॉर्म सिमिलर रहेंगे इनके साइकोडियल्स से, स्ट्रक्चर फंक्शन और फॉर्म और वेनेशन में यह सेम रहेंगे, और स्टोमेटा में डिफरेंस रहेगा कि साइकोडियल्स में हैप्लोसिलिक स्टोमेटा पाया जाएगा और साइकोडियल्स में सिंडेटोसिक्लिक पाया जाए, सिलिक पाया जाएगा। अगर इनके इवोल्यूशन की बात करें तो यह मीजोजोइक एरा में ओरिजिनेट हुए थे और यह डोमिनेट कर गए जुरासिक पीरियड में और एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्रिटेशियस पीरियड पे। अगर मैं ऑर्डर बेनेटियल्स की बात करूँ तो ठीक। चलिए अगले इसके फीचर्स को देखते हैं। इनका जो स्टेम है वह ब्रांच्ड हो सकते हैं, वह ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर अनब्रांच्ड हो सकते हैं। स्टेम जो रहेगा वह सीधा हो जाएगा, इरेक्ट। स्टेम जो रहेंगे वह इसमें इरेक्ट रहेंगे, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप के रहेंगे। कैसे रहेंगे? सिलेंड्रिकल जैसा रहेंगे। स्टेम इरेक्ट रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, और ये स्टेम चारों तरफ से लीफ बेसिस से सराउंडेड रहेंगे। अभी हम लोग जीनस विलियमसोनिया देखेंगे तो उसमें हम लोग इन चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक। तो इरेक्ट रहेंगे, सिलेंड्रिकल रहेंगे, या फिर इरेक्ट रहने के बाद सिलेंड्रिकल रहेंगे और सराउंड करेंगे लीफ बेसिस से, सराउंडेड बाय लीफ बेसिस। अब तार के वृक्ष अगर देखे होंगे तो वैसा स्टेम इसमें हमको देखने को मिल जाएगा। तार का वृक्ष, तो जो तार का पेड़ है वैसा जो स्टेम देखते हैं ना आप, स्केल्स से भी घिरा हुआ रहता है, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो वैस्कुलर बंडल देखें, वैस्कुलर बंडल की बात करूं तो जो वैस्कुलर बंडल रहेंगे वह एंडार्क कंडीशन रहेंगे, कॉन्जॉइंड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा, कॉन्जॉइंड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, उनके जाइलम्स जो है वह एंडार्क होंगे, ठीक। इसका मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पिथ।
वैस्कुलर बंडल सिफनोस्टील रहेगा, तो इनके वैस्कुलर बंडल्स की बात हुई। देखो जो विलियमसोनिया जीनस है, जो विलियमसोनिया जीनस है उनके स्टेम अनब्रांच्ड होते हैं। यह कैरेक्टर साइकस के साथ मैच करेगा। साइकस का जो स्टेम होता है वह भी अनब्रांच्ड रहता है ना, और विलियमसोनिया का भी जो स्टेम रहेगा वह ब्रांच रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अब हम वीडियो को ओपन नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अभी क्लास अटेंड कर रहा है वो क्लास अटेंड करेगा, हम वीडियो को ओपन नहीं करेंगे, है ना। क्या है कि दो तीन बार कंसिडरेशन देने के बाद ऐसा हो जाता है कि हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सर तो ओपन करके रखे रहते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पूरा एडमिन का हिस्सा हम लोग के पास है, हम लोग एक एक व्यक्ति का वॉच टाइम देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने किस टाइम तक इस वीडियो को कितना देर तक देखा, तो सब चीज़ हमको समझ में आता है। अगर आप चीज़ों को ग्रांटेड तरीके से लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना। बाकी अब आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, है ना। तो आपको क्लास अटेंड करना है, अगर आपने आपको पढ़ना है, देखो मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं लोगों को जो पढ़ता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाता सीधी सी बात, जो नहीं पढ़ता मैं कोई कंसिडरेशन उनके साथ नहीं रखता, ठीक है। चेतावनी है ना अच्छी वाली, ठीक है। चार लोग हैं ना, इसलिए मैं वीडियो ओपन नहीं करता। बाद में फिर मैसेज करेंगे सर, पता है कि सर ओपन कर दो ना, हम फंस गए हैं, हम कहीं चले गए हैं, ये बात दूसरी होती है। आदमी जिंदगी भर फंसा रहता है, इस चीज़ को मत देखता। चलो वीडियो में ज़्यादा इधर उधर नहीं बोल सकता मैं, इस कारण से एक बार मेरा काम है मैं आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक। तो ये दो कैरेक्टर्स हमको, हाँ तो मैं विलियमसोनिया की बात कर रहा था। विलियमसोनिया में जो स्टेम है वह अनब्रांच्ड है ना, ये कैरेक्टर मैच करेगा साइकस के साथ। इसका मतलब क्या है, विलियमसोनिया साइकस के साथ दिखता है। यही छोटे छोटे पॉइंट है, ये यही वाला क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपियर्स लाइक साइकस, उसमें से एक ऑप्शन विलियमसोनिया था, है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट, ठीक, लीव्स का अरेंजमेंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लीव्स का अरेंजमेंट देखूं, अभी मैं आने वाले समय में डायग्राम्स आप लोगों को बता दूंगा कि लीव का अरेंजमेंट कैसा रहता है। तो जो लीव अरेंजमेंट रहता है वह स्टेम के टिप पे अरेंज रहता है। इमेजिन कर सकते हो कि यह एक स्टेम है, इसके टिप पे आपके लीव्स ओरिजिनेट या इमर्ज हो गए, तो एट स्टेम टिप्स लीव्स आर अरेंज्ड इन वॉल्स, लिखो उनका अरेंजमेंट स्टेम के टिप से इमर्ज होने के बाद यह लीफ सुंदर तरीके से टिप पे अरेंज्ड रहता है ना।
तो लीफ अरेंजमेंट आप लोग ध्यान रखे रहोगे। यह साइकस में भी यही अरेंजमेंट देखा गया है कि जो टिप स्टेम के टिप पे लीव्स जो है वह अरेंज्ड है। तो यह जो लीफ है अनब्रांच स्टेम पे टिप पे प्रेजेंट रहेगा विलियमसोनियन। ठीक, चलिए तो ये लीफ का अरेंजमेंट हुआ। ठीक, चलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख लीजिए। यह 6 सेंटीमीटर के होंगे विलियमसोनिया, यह 6 सेंटीमीटर के होंगे विलियमसोनिया कोरोनाटा। अच्छा है, कोरोना के समय कोरोनाटा आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर के लीव्स इस स्टेम के टिप पे प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन एक और मेंबर देखूं तो यह लीफ का जो लेंथ है वह 3 सेंटीमीटर का रहेगा साइकिडियॉइड इंजेंस में। आप अंदाज लगा सकते हो कि विलियमसोनिया में लीफ 6-6 सेंटीमीटर के बड़े रहेंगे कंपैरेटिवली साइकिडियॉइड से। ठीक, चलिए तो यह लीव्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। आगे बहुत सारी चीज़ें और हैं, मैं उसको मेंबर वाइज पढ़ाऊंगा जब मैं विलियमसोनिया भी स्टार्ट करूंगा, तब आप लोगों को कवर करते हुए दिखाऊंगा। लीव्स की बात हुई, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, गुड इवनिंग मैडम। वो जीईवी देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलना चाह रहे हो। हम गुड इवनिंग से गुड इवनिंग लिखे हो, ठीक। हमको 22 स्पोरेंजिएट का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमको 2 स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे और उसमें हमको रेस्पेक्टिव स्पोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मेल गैमेट्स की बात किया तो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यह जो प्लांट्स रहेंगे वह बाइस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर्स के रहेंगे। इनके पॉलन ग्रेन्स की बात करो तो पॉलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे, मोनोकॉल्पेट। पॉलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे, मोनोकॉल्पेट। मैंने कॉल्पस के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया, एक रिज पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट रहेगा वह क्या कहलाएगा, मोनोकॉल्पेट, है ना, और 3 रिजेस प्रेजेंट रहेंगे वह ट्राइकॉल्पेट कहलाएगा। मोनोकॉल्पेट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स एंड ट्राइकॉल्पेट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। शायद वीडियो अटक गया है। तो कवर कर लो भाई, पॉलन ग्रेन्स जो है वह मोनोकॉल्पेट रहेंगे और बाइस्पोरेंजिएट्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इनका एम्ब्रियो जो रहेगा वह डाइकॉट रहेगा, इनका जो एम्ब्रियो रहेगा वह डाइकॉटिलेडोनस रहेगा। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें,
चलिए नोट कर लिए फटाक से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं वुड के बारे में। इस ऑर्डर में जो वुड रहेगा वह मैनोजाइलिक टाइप ऑफ वुड प्रेजेंट रहेगा। इस मेंबर में जो वुड प्रेजेंट रहेगा वह मैनोजाइलिक टाइप ऑफ वुड प्रेजेंट रहेगा। मैनोजाइलिक type of wood is present in cycloideals. चलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताऊं तो यह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही हो सकते हैं। आपको मेंबर वाइज चीजों को याद रखना पड़ेगा कि यह बाइसेक्सुअल होंगे। विलियम सोनिलिया में, विलियम सोनिया नहीं बोल रहा हूं, विलियम सोनिला। और साइकाडिएडिया, तो इसमें हमको बाइसेक्सुअल कंडीशंस देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे रहेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। ठीक, यूनिसेक्सुअल कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगा विलैंडियला में। तो आप देख सकते हो इस प्लांट का रेंज बाइसेक्सुअल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। लिख लीजिए इसको, ठीक। लीव्स जो रहेंगे वह पिनेट कंपाउंड के होंगे, पिनेट कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट रहेंगे। अब आपको पिनेट कंपाउंड लीव प्रेजेंट पता है, चलिए
लीव्स कैसे रहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड, और इनके जो सीड्स रहेंगे वह नेकेड रहेंगे, इनके जो सीड्स रहेंगे वह नेकेड रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज थोड़ा सा सिलेबस से हट के, क्योंकि कंपैरेटिव कभी कभी पूछ देता है, तो अगर मैं इनमें जीनस की बात, जीनस वाइज बात करूं, तो इस ऑर्डर में एक मेंबर आता है, एक जीनस आता है जिसको अपन बोलते हैं साइकाडिया। तो जो साइकाडिया है उसमें जो फ्लावर्स रहते हैं वो एक डाइकॉट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ग्रुप है मैग्नोलिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनके फ्लावर्स जो है वह किस एंजियोस्पर्मिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वह है मैग्नोलिया डाइकॉट एंजियोस्पर्म को। मतलब कहने का अर्थ है कि इस जीनस का और इस जीनस का जो फ्लावर रहता है वह सिमिलर टाइप का रहता है। ठीक, चलो ओव्यूल्स के बारे में देखते हैं। ओव्यूल्स और सीड, इन ग्रुप ऑफ प्लांट्स में जो ओव्यूल्स रहेंगे वह स्टॉल्क्ड रहेंगे। कैसे रहेंगे? स्टॉल्क्ड रहेंगे, स्टॉल्क प्रेजेंट रहेगा, और जो ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा वह रहेगा साइकोडिया और विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया में जो ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा वह स्टॉल्क्ड रहेगा, बल्कि ओव्यूल्स में स्टॉल्क ना हो करके उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सेजाइल। जो ओव्यूल है उसमें स्टॉल्क नहीं है, अब वो कंडीशन क्या कहलाएगा? सेजाइल। तो जो सेजाइल कंडीशन है हम लोगों को विलियमसोनिया में मिलेगा। आप लोगों को मैं एक साथ बहुत सारे जीनस का कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कराते जा रहा हूं, आप लोग कंपैरेटिव तरीके से पढ़ते जाएंगे तो फायदा होते जाएगा। और ओव्यूल्स के बारे में जानकारी बताओगे तो बहुत है। ठीक है, चलो ओव्यूल्स में क्यूप्यूल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, आर नॉट सराउंडेड बाय क्यूप्यूल्स।
क्यूप्यूल्स आपको याद है लाइजिनोटेरिस का प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो इस वाले ग्रुप में हमको क्यूप्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे जनरली। एक काम करते हैं, यहाँ पे जनरली लिख देते हैं, कुछ कुछ जगह क्यूप्यूल्स देखने को मिले, लेकिन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो हमको क्यूप्यूल्स देखने को नहीं मिले ओव्यूल्स में। मैं आप लोगों को उस साइकोडियाडिया का फ्लावर बना के दिखाता हूँ। लिख लिया होगी नहीं? लिख तो लिया होंगे, दो ही पॉइंट है। मैं साइकोडियाडिया का फ्लावर बना के दिखाता हूँ और आप देख सकोगे कि थोड़ा सा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स उसमें दिखेगा। तो देखो, यहाँ पे बनाऊँ? ठीक, लिखते नहीं बनेगा ना। साइकोडियाडिया का फ्लावर बनाने की कोशिश करो तो हम लोगों को एक सेंट्रल एक्सिस देखने को मिलेगा, और इस सेंट्रल एक्सिस में सराउंड करेंगे ब्रैक्स। हमको ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, तो एक कैरेक्टर आपको देखने को मिल गया कि फ्लावर्स आर सराउंडेड बाय ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, जो फ्लावर्स है वह ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर में सराउंड होने में दिखेगा। तो ये जो ब्रैक्ट रहेगा यह हेयरी ब्रैक्ट कहलाएगा। ठीक, इसको अपन लोग टेक्निकली रिसेप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। और यह जो हेयरी ब्रैक्ट है यह रिसेप्टिकल के बेस से निकलेगा। यह असली में एक्चुअल में बहुत पास पास होते हैं। अभी लाइव में वैसा ही बनाऊंगा तो फिर क्या होगा? चलो कोशिश कर लेते हैं, आप थोड़ा सा घना बनाना इसको। तो फ्लावर्स जो है वह हेयरी ब्रैक्ट से सराउंड हुए रहते हैं। ठीक, अब माइक्रोस्पोरोफिल बनाओ। अब देखो, माइक्रोस्पोरोफिल लीफ का ही पार्ट होगा ना, तो माइक्रोस्पोरोफिल जो है वह लीफ का ही पार्ट होगा और वह पिनेट कंपाउंड का, पिनेट कंपाउंड लीफ साइकोडियाडा में पाए जाएंगे, ये तो हमको पता है। लग रहा है ना थोड़ा सा कि एंजियोस्पर्मिक के साथ मंगोलियना के साथ मैच करेगा। देखो, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये मैच्योर्ड है, इसलिए पूरी तरह ओपन हो चुका है।
ठीक, लेकिन इमैच्योर जो है वह फोल्डेड फॉर्म पे प्रेजेंट रहेगा, इमैच्योर। ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किसका, इस ग्रुप के मेंबर्स का। तो इसमें जो रहेंगे वह ये इमैच्योर माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाएगा। अब आप देखो स्टैमेंस जो है एंजियोस्पर्म के वो इस तरह निकले हुए रहते हैं, इस कारण से एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर यह शो कर रहा है। इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेंट्रल एक्सिस। ये क्या है, हेयरी ब्रैक्ट। इतना ऊंचा नहीं रहता, थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, हेयरी ब्रैक्ट। ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये रिसेप्टिकल के बेस से निकले हुए, चलो आराम से बना लो। ये वाला मैच्योर माइक्रोस्पोरोफिल है, ये इमैच्योर है। ठीक, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑफ साइकाइडिएडा, ठीक, चलिए। ठीक, अगर साइकोडियोडा का मेन प्लांट अगर अपन लोग देखें, अगर साइकोडियोडा का मेन प्लांट हम लोग अगर देखें तो स्टेम जो होता है वो बहुत छोटा सा होता था ना, ठीक, और स्टेम से बहुत सारे, अरे आप देखे भी होंगे, नहीं मतलब साइकस देखे होंगे, जल्दी समझ में आएगा आपको, साइकस लोग घर में लगाते हैं। ठीक, तो स्टेम के टिप में पिनेट कंपाउंड वाले लीफ ऐसे इस तरह से अरेंज रहेंगे। ये किसका बना रहा हूँ, साइकोडिएडा का एक्सटर्नल फीचर्स, ताकि आपके पास जितने भी पिनेट कंपाउंड लीफ, देखो इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड से मिले हुए, फॉसिल रिकॉर्ड की बात है बस और कुछ नहीं। कंपैरेटिव पूछेगा आपको तो आप लोग ध्यान पे रखे रहोगे, और मैं आपको ऑर्डर क्लियर हो जाए इस कारण से इन मेंबर्स का डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ।
ऐसा कुछ शॉर्ट स्टेम प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे स्ट्रोबिलस प्रेजेंट रहेगा। अब आपको पता है स्ट्रोबिला है ना, ऐसे स्टेम में स्ट्रोबिला प्रेजेंट रहेगा, स्टेम है थोड़ा खतरनाक टाइप का दिख रहा है ना। ये क्या है स्ट्रोबिलाई, ये पिनेट कंपाउंड लीफ साइकाडिएडा का एक्सटर्नल फीचर्स। कॉमन ऑर्डर साइकाडियल्स की बात कर रहा हूं इस कारण से। ठीक, इस स्टेम का मैं TS काटूं, छोटा सा बनाता हूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर के दिखेंगे आपको। इस स्टेम का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं तो मेरे को इसके लीफ बेसिस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलेंगे रामेंटा। ठीक, फिर इसके अंदर वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाएगा। इस कॉर्टेक्स में हम लोगों को म्यूसिलेजनस कैनाल देखने को मिलेगा म्यूसिलेज सिक्रीट करने के लिए। ठीक, और जो वैस्कुलर बंडल रहेगा फ्लोएम बाहर की तरफ और ये इसका वैस्कुलर बंडल होगा। ये क्या होगा फ्लोएम, ये वाला फ्लोएम, ये म्यूसिलेजनस कैनाल। और इसमें बहुत सारे लीफ ट्रेसेस हमको देखने को मिलेंगे कॉर्टेक्स में, तो बहुत सारे लीफ ट्रेसेस भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये रहा लीफ ट्रेसेस। तो एक ऑर्डर बेनिटियल्स की बात करें तो साइकोडियल्स में, साइकोडिया में हम लोग इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की कोशिश करते हैं।
ठीक। आराम से बना लो कंप्लीट सर। वर्ल को ही स्फर कह सकते हैं क्या? ऐसा कंपैरेटिव बोला जा सकता है मैडम, लेकिन ऐसे टर्मिनोलॉजिकली हम लोग एक ग्रुप ऑफ लीव्स जो हम लोग वहां बात किए थे है ना, वो था। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप ऐसा जान सकते हो कि स्टेम को रैप करके जो स्ट्रक्चर लीफ का अरेंजमेंट है जिसमें स्टेम एंड कार्पल सब प्रेजेंट आता है ना, वो वर्ल लीफ कहलाता है ना। इस चीज़ों को आप लोग देख सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है? जनरली अगर इस पूरे ऑर्डर का वेनेशन देखने की कोशिश करें तो वह पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन हो गया, हो गया तो भाई यस सर लिख देना। बना लिए होगे तो मैं मिटाऊं इसको। अच्छा एक कंपैरेटिव आप लोग देख लेना कि यह थोड़ा सा स्टेम जो है वो छोटा है साइकोडियडा में। विलियमसोनिया में आप लोग को दूसरा टाइप बड़े स्टेम देखने ट्रंक जैसा देखना मिलेगा है ना। मैं आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स साइकोडियडा का बता दिया, मतलब मैक्सिमम साइकोडियडा का भी कवर अप हो चुका है। और सर सीड का भी बता दो ऐसा। इसका सीड बता दो क्या? क्या वेलकम मैडम, इसका सीड के बारे में कुछ बताऊं क्या? एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को कवर हो जाएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। कंफ्यूज नहीं होगे तब, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंबर हो गया आप लोगों के लिए। इसके सीड के बारे में बताऊं क्या? मतलब इसके सीड्स के पास एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बताना चाहोगे तो बताओ, पढ़ना चाहते हैं नहीं तो डायरेक्ट विलियमसोनिया स्टार्ट कर सकते हैं। बता दीजिए सर। चलो सीड के बारे में देख लो। देखो अगर सीड देखा जाए तो रिसेप्टिकल से
बहुत सारे स्टाल्कड सीड देखने को मिलेंगे। देखो ये स्टाल्क है, ये क्या है स्टॉक, ऐसे स्टॉल सीड जो है वह देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इस सीड के पास एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, ओव्यूल लिख लो, उतना ज़्यादा जनरल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओव्यूल जो रहेगा वो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल रहेगा, जो ओव्यूल रहेगा वह ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल रहेगा। एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगा, माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहेगा, ठीक, माइक्रोपाइल में माइक्रोपाइल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये देखो ऐसा अरेंजमेंट इसका बढ़िया से रहता है, थोड़ा सा स्पेस कम है इस कारण से थोड़ा सा उठपटांग टाइप का बन गया है। एक चीज इसमें बताने वाली बात है, को थोड़ा सा कम बना देता हूँ, है ना, एक मिनट, थोड़ा सा अच्छा भी दिखना चाहिए। ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, इस माइक्रोस्पोरोफिल को भी थोड़ा मिटाते हैं, ठीक। इस माइक्रोपाइल एंड के पास कुछ फ्लैट लाइक डिस्क प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे फ्लैट डिस्क प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, नहीं, ऐसे चैम्बर्स टाइप का ये बना हुआ रहता है और ये ऐसा शेडिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ए एल एस एस चैम्बर, ये फ्लैटन लाइक डिस्क प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये रिसेप्टिकल रहेगा, स्टॉल्ड ओव्यूल आप देख सकते हो। और इस ओव्यूल में स्पेस की वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ, इस कारण से मैं इसको एक साथ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कवरिंग रहता है इस पे, और ये जो रहता है ये फ्लैटेंड डिस्क ही कवर कर पाएंगे। देखो ये फ्लैट लाइक डिस्क जो होता है ना, माइक्रोपाइल के टिप के पास रहता है, ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पे पोलन एंट्री करेगा। इसको मैं थोड़ा सा, तो ये फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कवरिंग सीड में बना लेता है। इस कवरिंग को अपन लोग बोलते हैं एपिकार्प,
और इस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं इंटर सेमिनल डिस्क। क्या बोलेंगे? इंटर सेमिनल डिस्क। केवल आपको समझने के लिए चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया हूँ, मतलब एज ए सीट का डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन अगर मोटा मोटी बात करें तो यह चीज़ कवर्ड रहती है। तो ये जो इंटर सेमिनल डिस्क है, यह ओव्यूल्स के पास बढ़िया से कवर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो इंटर सेमिनल डिस्क है, यह सीड की कवरिंग बना रहा है, जिसको अपन लोग मतलब वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स के पेरिकार्प को शो कर रहे हैं, है ना? वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स के पेरिकार्प को शो कर रहा है, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी था कि सीड पोजेस इंटर सेमिनल डिस्क, जो कि शील्ड जैसा बना रहा है इस सीड में, और कुछ नहीं, जिसको अपन लोग पेरिकार्प बोल रहे हैं। चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर बेनेटियल्स के थे। प्राइमरली मैंने सैगोडियडा को कवर किया, और मतलब ये उद्देश्य फिलहाल यह हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब अगर आप लोगों को कंपैरेटिव पूछा जाएगा तो आप बनाने में सक्षम रहोगे। इस वजह से मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा कैरेक्टर्स मतलब एक आइडिया हो जाता है किसी एक मेंबर को लेकर के अपन लोग पढ़ें कि उस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो आप लोगों को जनरल एक आइडिया हो गया होगा कि पिन्नेट कंपाउंड लीव्स बैरेटियल से प्रेजेंट है, स्टेम अनब्रांच्ड हो सकते हैं, है ना? कॉन्जाइन कोलेटरल एंड डार्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, म्यूसलेटिनस कैनल प्रेजेंट है, लीफ बेसिस प्रेजेंट है, लीफ ट्रेसेस भी प्रेजेंट है ना? और आप देख सकते हो कि सीड में पेरिकार्प या इंटर सेमिनल वेसिकल्स भी प्रेजेंट है। तो इतने सारे ग्रुप्स की बात हम लोग करें, अब मिटा दूँ? अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखे रहना, हो गया होगा तो यस सर लिख लेना, कोई एक व्यक्ति लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो पिन्नेट है साइकोडियडा में, लेकिन यह फ्यूज्ड रहेगा, फ्यूज्ड स्ट्रक्चर रहेगा, वह फ्यूज्ड रहेगा माइक्रोस्पोरोफिल्स में, जो प्रेजेंट जो स्पोरोफिल्स के लीफ है वह फ्यूज रहेगा विलियमसोनिया में। ध्यान देने वाली बात, विलियमसोनिया में यह फ्यूज्ड रहता है। यह पिन्नेट टाइप का दिख रहा है आप लोगों को, और विलियमसोनिया में यह फ्यूज्ड रहेगा। अभी अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिममली आप लोगों को साइकोडियडा जैसा जीनस प्रेजेंट बताया, एक्चुअल में यह फैमिली जो था साइकोडियडिएसी में था, ठीक, साइकोडियडिएसी में था। तो यह एक ग्रुप हुआ। तो नेक्स्ट ऑर्डर बेनिटियल्स में हम लोग विलियमसोनिएसी को देखने की कोशिश करते हैं। अब विलियमसोनिएसी को पढ़ना या विलियमसोनिया जीनस को पढ़ना एकदम ईजी है अगर आप लोगों ने यह ग्रुप को पढ़ लिया तो।